वॉइस टीवी यूपी वी भारत के नए शो पार्षद की रिपोर्ट कार्ड में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से हम लगातार वार्डों में जा जाकर वहां के पार्षदों के रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा रहे हैं कि अब 5 साल में पार्षद ने कितने काम कराए हैं, क्या क्या काम हुए वार्ड में, ऐसे ही आज हम वार्ड नंबर 52 के अंदर मौजूद हैं, जहाँ जब हमने पार्षद से बात करी थी तो उनका कहना था कि उन्होंने काफ़ी क्षेत्र के अंदर काम कराया है, काफ़ी विकास हुआ है, रोड वगैरह के निर्माण कराए गए हैं। हमारे साथ यहाँ क्षेत्रीय जनता वार्ड नंबर 52 की मौजूद है, जिससे हम बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि जो पार्षद हैं, मौजूदा पार्षद हैं, वो इस बार से चुनाव न लड़कर बल्कि वार्ड नंबर किसी दूसरे से चुनाव लड़ रहे हैं और अपने प्रतिनिधि को इस बार से चुनाव लड़वा रहे हैं। हम जानते हैं जनता से क्या जो है कितना काम कराया है पार्षद ने इस वार्ड के अंदर, कि जिस तरह से पार्षद ने यहाँ की क्षेत्रीय जनता ने पार्षद को चुनकर नगर निगम भेजा था, क्या उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको भी जनता चुनकर दोबारा से भेजना चाहेगी या नहीं। हमारे साथ तमाम बुजुर्ग लोग मौजूद हैं क्षेत्र के, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शहंशाह। चाचा, आपने काफी चुनाव देखे होंगे, काफी चुनाव लोगों को लड़ाई भी होंगे, तो पिछले 5 सालों में अपने क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और इस बार आप किसे चुनकर नगर निगम पहुंचाना चाहिए? नहीं नहीं हुआ, वो तो काम गाय के हो गया, देखने तक तो आता नहीं था। अच्छा, पार्षद जी, पार्षद जी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं जो है आपके जो वार्ड के पार्षद है, वार्ड नंबर 52 की गुड्डू भाई पार्षद। गुड्डू भाई का बहुत अच्छा विकास हुआ है। गुड्डू भाई का विकास हुआ है? सही हुआ। क्या क्या काम कराए उन्होंने आपके वार्ड में? नालियाँ साफ कराई हैं, कीचड़ निकलवाते थे, झाड़ू भी लगवाते थे। हम तो इस वाले वार्ड के हैं। अच्छा, आप अलग वार्ड के हैं। क्या नाम है आपका? इकबाल अहमद। बाबा, आप बुजुर्ग हैं, आपने चुनाव देखा, तजुर्बा भी आपको बहुत ज़्यादा होगा, तो आपने आपके हिसाब से क्या क्या विकास हुआ है वार्ड के अंदर, क्या क्या काम गुड्डू भाई ने करवाए हैं? विकास बहुत अच्छा कराया था उन्होंने, बहुत बढ़िया कराया है, लेकिन अब ये पब्लिक सब ये चाहती है कि हम अपना मेंबर बदले में जी, बदलने के लिए आरिफ के लिए चुना जा रहा है। आरिफ को चुना जा रहा है। आरिफ भाई उनके प्रतिनिधि हैं? हाँ, प्रतिनिधि थे उनके। हाँ, उनके थे। अच्छा, भाई को दोबारा भेजा है नगर निगम में। जी, क्या कह रहे हैं? आरिफ भाई को नगर निगम में दोबारा भेजा है। जी जी, वो भी उन्होंने प्रतिनिधि अच्छा काम किया है, सफाई भी कराई है, यानी किसी भी काम के लिए पहुंचा तो तुरंत पहुंचते हैं आरिफ भाई। कोई भी कैसा भी काम हुए, नगर पालिका जुड़ा हुआ, आरिफ भाई तुरंत पहुंचते हैं, हाल काम कराते हैं, सारे काम आपके काम कराते हैं। भाई हर काम में आ जाता है, हर काम में आरिफ भाई आते हैं, आरिफ भाई को आनी चाहिए। आरिफ भाई इधर ओरिजिनल आदमी है। इधर देखो, आधी रात को जाओगे आप, अगर आपको कोई तकलीफ भी हुई तो बंदा और उतर के नीचे आ गया, उसको डुबली ले जाएगा। बहुत अच्छा काम करा रहे हैं आप, थोड़ा सा आगे आ जाए। ये 5 साल में जो पार्षद ने काम कराए, ठीक है, लेकिन जो उनके प्रतिनिधि थे वो थे आरिफ भाई। आप गुड्डू भाई दूसरे बार से चुनाव लड़ रहे हैं, अपने प्रतिनिधि को इस बार से लड़ा रहे हैं वो, तो क्या जिस तरह से आप लोगों ने जितवाकर गुड्डू भाई को नगर निगम भेजा था, क्या इस बार पार्षद प्रतिनिधि जो थे उनके उनको भेजा जाएगा दोबारा? उनके काम इतने अच्छे हैं, अभी जब भी काम पड़ता है ये फोन करते हैं, वो काम हमारा पूरा हो जाता है, हमारा पूरा हो जाता है। अच्छा, विकास की अगर मैं बात करूँ, पिछले 5 साल में मोहल्ले में आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है? रोड वगैरह की अगर बात करूँ तो गलियां वगैरह कितनी क्या क्या बनी है, जी अगर जानकारी हो आपको? नहीं, ऐसा सबसे दुआई ने कराया यहाँ पर काम, ये जो गलियां बनी है, लेकिन ज़्यादा गलियां नहीं बनी है, क्योंकि जो पार्षद पास जितना काम आता है उतना ही कराते हैं ये लोग, अपने पास से जितना होगा उतना कराएगा, इनके पास इतना काम, इतना बजट वगैरह नहीं आया है जो उतना काम कराए, जितना आता है उतना काम ये लोग करा देते हैं। सफाई व्यवस्था कैसी रही है वार्ड? सफाई बहुत अच्छी रही है, बहुत बढ़िया रही है, पिछली बार बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी रही है। लाइटें वगैरह रखों पर स्टील लाइटों को जब भी खराब होती है फोन कर दो, जिस दिन खराब होती है दूसरे सही हो जाती है। इस बार मौका किसे लगेगा? हमारे आरिफ भाई है, आरिफ भाई को फिर मौका दिया जाए, नगर निगम द्वारा भेजा जाए, और लाइटें वगैरह जितनी भी थी वो बहुत लगवाई हैं, जहाँ भी जितनी भी कोशिश थी, जितो इनके वार्ड में जो आई बहुत जगह लगी हुई है, आप गलियाँ चेक कर सकती हो। कितने कर्मचारी रहते हैं लगभग वार्ड में? आप सुबह देखते होंगे कितने कर्मचारी रहते हैं आप? सफाई वाले, सफाई के लिए, सफाई कम से कम कोई नहीं तो 30-35 तो हैं जानकारी में। अच्छा, इतनी जानकारी में आपकी है, तो सफाई डेली होती है, नाली साफ डेली होती है। वो बात दूसरी, मौसम ज्यादा बिगड़ा है, बारिश वगैरह हो रही तो उसमें कौन आएगा, वैसे तो डेली सफाइयाँ होती है, डेली सफाई होती है, डेली होती है। क्या नाम है आपका? तफील अहमद। इधर आ गए, आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं इस मोहल्ले के, उम्र के हिसाब से तो जिम्मेदारी बोलूँगा मैं, ये बताइए पिछले जो 5 साल रहे हैं गुड्डू भाई आपके पार्षद थे, कितना काम क्या क्या उन्होंने करा? काम तो उन्होंने सही कराया, और गलियाँ फलियाँ भी बनवाई हैं उन्होंने, गलियाँ बनी सब, या लाइट वाइटें भी लगवाई हैं, क्योंकि आरिफ भाई बोलते प्रतिनिधि, तो वो आरिफ भाई ने काम कराया। अच्छा, अब तो वो दूसरे वार्ड में पहुँच गए,
तो गुड्डू भाई दूसरे से लड़ेंगे, अपने प्रतिनिधि जो उनके आ रहे उनको वो इस वार्ड से लड़ा रहे हैं, उनको इस वार्ड से क्या बात रहेंगे आपके? उनको इस वार्ड से लड़ा रहा है तो भाई काम तो वही करा रहा है, तो जनता भी यही चाहती है कि इस तरह से अच्छा आप लोगों ने आशीर्वाद जो गुड्डू भाई को दिया था वैसे ही क्या अरे भाई को मिलेगा इस बार? बिल्कुल मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा, इंशाल्लाह। थोड़ा आप अरे भाई को इधर आ जाइए आप, इधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीद अहमद। अब इस बार आप नगर निगम में किसे पहुँचाना चाहेंगे? अब चुनाव है, निकाय चुनाव 2-3 महीने में लगभग होने वाले हैं, अनाउंस भी होने वाला है सीटों का, तो इसमें आप कैसे चुनना पसंद करेंगे अपने लिए? मैं वार्ड नंबर 52 में रहता हूँ। गुड्डू भाई ने बहुत काम किया है, सड़क में बनवाई हैं और उन्होंने नाली साफ़ कराई है। जब नाली साफ होती थी तो मेरा फोटो जाता था अक्सर, मेरा फोटो खुद खींचता था, हर चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लाइट भाड़े सब लगी। अब मैं जी चाहता हूँ कि उनका प्रतिनिधि बन गए और नगर निगम में आए, और आर्य बहुत अच्छा लड़का है और उसके लिए सब तैयार हैं, और वो जरूरत होती आधी रात को तैयार हो जाता जी, मेरी सोच है। तो आप प्रतिनिधि को उनकी नगर निगम पहुँचाना चाहते हैं? सफाई की व्यवस्था कैसी रहती है? बहुत अच्छी रहती है, रोड डेली होती है बिगड़ नागा, और मेरा जब सफाई होती है तो मेरा खुद फोटो खींच के भेजा जाता है कि तुम मतलब तुम्हारे सामने हो रही है, मैंने यहाँ बिल्कुल मेरे सामने। हाँ रोड वगैरह जी हम रोड पर खड़े हैं, ये किस वार्ड में लगभग ये दो पट्टियों में बढ़ जाता है, 52 में और इधर 59 में, आधा आधा इधर जाता है। तो गलियां वगैरह बाढ़ के अंदर क्षेत्र के अंदर जो गलियां वगैरह बनी सब फर्स्ट क्लास नहीं बनी वगैरह? कैसा आता है बाढ़ में पानी पीने के लिए, अगर बात करूँ तो पानी समस्या? हाँ ये समस्या है। अच्छा इसमें जो पानी आता है तो पानी वो बहुत कम घुलते हैं, तो पानी जो पाइप लाइन जो बड़ी बड़ी है रोडों पे और जो मेन गलियां हैं उसमें पानी ज़्यादा आता है, और जो गली के अंदर गलियां हैं उसमें पानी बहुत कमी के साथ आता है। और मैं जी चाहता हूँ कि वो दोबारा सही होने चाहिए, सही हो ताकि पब्लिक को आराम मिले। पब्लिक बहुत परेशान है, अभी समर ख़राब हो गया तो पब्लिक इतनी परेशान होती है कि बेचारे इतनी मेहनत की है उन्होंने कि वो जाने कैसे कैसे पानी भर के लाए, ये ऊपर वाले ही जानता है। अच्छा बाकी हाँ। सारी चीज़ें वार्ड के अंदर बेहतर है, बस थोड़ी पानी की। हाँ, बस पानी से इस बारे में पार्षद से बोला है, अपने प्रतिनिधि से कहा था कि पानी वगैरह नहीं आता उनको सही करवाएं? हाँ कहा था, हमने कह रहे हैं यहाँ कह देंगे जो कनेक्शन खुले डले हुए साइडों से पानी नाली में फैलता है वो भी सब कनेक्शन बंद हो जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर तक पानी आएगा उससे गलियों में, तो सबको पानी मिलेगा फिर उससे, तो ये काम हो गया है। मोहम्मद जमाल इस बार किस पे दाव लगने वाला है? यार यही होंगे जनाब आरिफ भाई, प्रतिनिधि जो है गुड्डू भाई के इस बार। अच्छा 5 सालों में वार्ड में क्या क्या काम हुए? बहुत अच्छा काम हुआ, बेहतर। जरा एक चीजों को बताएं सर, रोड की व्यवस्था है, जब से असलम भाई हुए यहाँ से असलम रजा साहब तब से एक भी दिन हमने कूड़ा नहीं फेंका, उनका खुद कर्मचारी आता है कूड़ा ले जाता है अपने आप। अच्छा और रोड डेली झाड़ू लगती है, सफाई होती है, कोई कमी कैसी भी नहीं है, कोई कमी कैसी भी नहीं। तो इस बार अब उनकी प्रतिनिधि आपके वार्ड से खड़े हो रहे हैं, वो किसी दूसरे वार्ड से खड़े हो रहे हैं? नहीं तो प्रतिनिधि काम कराते थे वही होंगे, वही होंगे आरिफ भाई को मतलब हमारे आरिफ भाई सपोर्ट होंगे। बाबा क्या नाम है आपका? अरे जगह जी भैया क्या नाम है बाबा आपका? क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद अली जी। मोहम्मद अली बाबा ये बताइए पिछले 5 साल में वार्ड में क्या क्या काम हुए? ये जो है गुड्डू ने कमल लगवाया था और गुड्डू के जरिए से वो कमल लगा था जिसमें कि पानी सब लोग पीते हैं, आज भी समर खराब है, लोग भगे भगे बाल्टियाँ लेकर फिर रहे हैं, कोई उसकी अब तक कोई भी नहीं आया, इन लोगों को 2 झरकाई लगा दी। अब ये है कि आरिफ कब तक कहाँ तक भगे, भाई आरिफ मेहनत कर रहा है वो रातों दिन, तो अल्लाह उसको कामयाब करे। आप चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधि दोबारा चुनकर बिल्कुल बिल्कुल नगर निगम पहुँचे? हाँ बिल्कुल, काम वाला आदमी बढ़िया है जी, काम वाले आदमी आ रहे भाई, बहुत काम करा रहे हैं। क्या क्या उन्होंने ऐसे काम करा है जिसकी ये जनता के बीच में हर वक्त मौजूद है, और कौन सा काम चाहिए बताइए आप? जो हालत है वो करने लायक करता है बंदा, वो करने लायक करता है जितने आप भाई जितनी बातें हैंड में है जितनी बातें वो है उतनी ताकत लगाता है, रात में आ रहा तो जा रहा है भाई, जो काम है वो करने का वो कर रहे हैं। तो इस बार पूरा आशीर्वाद जो है आरिफ भाई को मिलने वाला है। आरिफ को
हमारे साथ पार्षद पद के प्रत्याशी आरिफ भाई मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर ये यहाँ इस चुनाव में उतर रहे हैं और पिछले, क्योंकि ये जो है प्रतिनिधि भी रहे हैं इस वार्ड में जो पार्षद थे उनके प्रतिनिधि रहे हैं जी, इन्होंने क्या काम करा है और आगे किस तरह के इनके काम रहेंगे वार्ड के लिए, हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ भाई, हमसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई? मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, आपने 5 साल जो कार्यकाल संभाला गुड्डू भाई का, उसके बाद में आप मौका, जनता चाहती है कि आपको ही चुने वो, तो कितना काम और कराने को अभी रह गया था या क्या क्या और कराना चाहते हैं बाढ़ की जनता से, किस तरह का अपील रहेगी आपकी? मेरी सबसे पहली अपील रहेगी, पहले तो इस पूरी बाढ़ की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह उनको जिताया अपने प्यार से मोहब्बत और ऊपर वाले की करम रहा, तो मैं भी चाहता हूँ जिस तरह से मेरे बड़ों का प्यार है, सारे खड़े हुए हैं, पीछे भी हैं, सामने भी हैं, तो इंशाल्लाह वो अपनी दुआ से मोहब्बत से मुझे नवाए, तो इंशाल्लाह जिस तरह मैंने अभी काम कराया प्रतिनिधि के रूप में, तो मैं चाहता हूँ कि खुद पार्षद बन के नगर निगम की जनता मुझे पहुँचाए, मेरे बड़ों की दुआ है, इनकी भाई की मोहब्बत है, तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा मैं काम करके दिखाऊँगा, चाहे वो विकास का हो, चाहे नाली का हो, चाहे रोड का हो, चाहे लाइट का हो, किसी भी प्रकार का, चाहे विधवा पेंशन का हो, चाहे विकलांग पेंशन का हो, 60 साल पेंशन हो, यहाँ तक कि मुझे जो भी मेहनत चाहे मुझसे जनता ले सकती है, लेकिन मैं भी एक अपने अंदर जज्बा रखता हूँ कि मुझे एक मौका मिलना चाहिए तो मैं जनता के बीच में रहकर काम कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। आपने जो 5 साल में काम कराए हैं वो क्या क्या काम करा, क्योंकि हमने गुड्डू भाई से हमारी बात, उन्होंने तमाम तरीके बताए, आप तो प्रतिनिधि थे, आप बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर आपने जो आप रहे हैं वार्ड में गलियों में आपने देखा है सारा, तो क्या आपने काम कराए? मैं बताऊं, सबसे पहले ये रोड की कंडीशन ऐसी, जिस रोड पे आप ये वायर ले रहे हैं, ये रोड पे आप नज़र डाल के देखेंगे तो इस रोड की गंभीरता वो होती, बच्चे बूढ़े पढ़ने वाले बहन बेटियां कोई निकलने की संभावना नहीं थी। सबसे पहले तो हमने इस पर फोकस करा और इसको अल्लाह का करम हुआ कि इस रोड को बनवा कर कम्प्लीट कराओ, बाट की सारी गलियाँ हैं, जैसे एक पीछे दीदा महिमा गलियाँ हैं जितनी भी हैं, इधर है नूरनगर में दीदा महिमा रामगढ़ रोड पर जितनी गलियाँ हमें बनवाना करता, कम से कम 30-35 गलियाँ, तो 40% में काम करा चुका हूँ बनवाने का उसमें, और कुछ था रिपेयरिंग का काम तो रिपेयरिंग की गलियाँ भी मैंने उसमें कराई, चाहे पुलिया का काम हो, चाहे नाले का काम हो, किसी भी तरह का था कराया, और अभी भी प्रेजेंट टाइम में मैंने कम से कम 15-20 लाइट आई थी वो भी लगवाई, और इससे पहले भी आए दिन कम से कम लाइटें लगवाई जहाँ पे मस्जिदें थी, मदरसे थे, या लोग निकलने की रास्ता नहीं थी, वहाँ से अंधेरे में निकल नहीं पाते थे, तो हमने उस जगह रोशनी का लाइट लगवाया, काम किया। सफाई व्यवस्था 5 सालों में किस तरह की आपने रखी, क्या क्या किस तरह सफाई रहती है, कर्मचारी कितने थे लगभग? हमारे वार्ड में कर्मचारी हैं 18 कर्मचारी टोटल मिलाकर, और हमारे सुपरवाइजर आफ्तर शमशेर साहब का ही मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह वो मेहनत करते हैं पूरे वार्ड में, क्या और वार्ड भी अगर आप देखोगे तो, अगर आप सर्वे करोगे अंदर जाएंगे तो सफाई सुथराई का मामला पूरा रहता है, और हमारी लेबर जो 18 लेबर जो है वो पूरी काम करती है ईमानदारी के साथ। अच्छा, पानी की व्यवस्था की अगर बात करूँ, पानी यानी कि जो है लाइन डलग हुई है जल गई पूरे वार्ड, पानी वगैरह की लाइनें ठप कर रही हैं, सबको प्रॉपर पानी मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि ट्यूबवेल वगैरह की दिक्कत रहती है पानी की? ऐसा हमारे वार्ड में एक ट्यूबवेल भी है, और जिस टाइम पे गुड्डू भाई पार्षद जो बने थे उस टाइम पे यहाँ पे डेढ़ा जाल की लाइन नहीं थी, तो हमने गली गली घूम के उस डेढ़ा जाल की लाइन को और घर घर कनेक्शन कराने का काम किया उसको, और शायद कुछ गली ऐसी है जहाँ पानी नहीं पहुँचता, तो उस पर हमारा प्रयास है, हम उस पर कोशिश कर रहे हैं कि जो गली इक्का दुक्का जो रह गई है वहाँ तक पानी पहुँचाने का भी काम कर रहे हैं। क्या क्या आप दोबारा चुने जाएंगे आप, तो क्या काम ऐसे थे जो अब और होने थे वार्ड में अधूरे रह गए थे, अब वो पूरे करना है? जो काम अधूरे रह गए हैं इंशाल्लाह मैं उसको भी पूरा करने का काम करूंगा, जैसे कुछ विकास भी रह गया है, कुछ लोगों की समस्या थी, जैसे गड्ढे इस तरह के हैं जिसकी लोग प्रॉपर्टी डाल के छोड़ गए, तो उस पर उन्होंने नहीं नीमी भरी, इस पर भी एक सिकंजा कसा जाएगा, और जो आजकल बीमारी का मामला बहुत चल रहा है, तो गली कूचों को एकदम बिल्कुल क्लियर करके साफ रखा जाएगा, बिजली का मामला उसको भी देखा जाएगा, ये व्यवस्थाएं सारी रहेंगी। ये थे हमारे साथ जी पार्षद पद के प्रत्याशी हैं इस वार्ड से, जिन्होंने पूरी बात अपनी सामने रखी, प्रतिनिधि भी रहे हैं ये, इन्होंने 5 साल में जो कार्यकाल कराया, अब इनका कहना है कि मैं खुद चाहता हूं कि नगर निगम पहुंचूं और जो काम जो रह गए हैं इस वार्ड के वो पूरे करा सकूं। जनता का भी यही कहना है कि वो चाहती है कि जो उनके प्रतिनिधि थे वो दोबारा उनके पार्षद बनकर आएँ और नगर निगम पहुँचें और जो उनकी जो समस्याएँ रह गई हैं उनको वो पूरा कराएँ। मैं आपको बता दूँ कि जिस रोड पर हम खड़े हैं, हमने कई इसकी कवरेज की थी जब उस टाइम पर ये रोड ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये रोड बन चुका है, ये इन्हीं पार्षद जो पार्षद है गुड्डू भाई, इन्हीं के कार्यकाल में इस रोड को बनाया गया, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, कोहिनूर रोड से लेकर पूरे बम्बे रोड पर ये निकलता था, इसको हमने कई बार कवरेज करा, कई बार आपको दिखाया, लेकिन अब ये रोड बन चुका है और ये गुड्डू भाई के कार्यकाल में बना है। ऐसे ही हमारे साथ आगे और खबरों के लिए बने रहिए, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं मकबूलुद्दीन, वॉइस टीवी यूपी, वी भारत, फिरोज़ाबाद।